हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने एनजीपी से लेके गैंगटोक का वीडियो देखा था, तो आज हम जा रहे हैं ईस्ट सिक्किम। ईस्ट सिक्किम मतलब नथुला पास, बाबा मंदिर और छांगू लेक। इसलिए हमने ड्राइवर को गाड़ी रुकवा के इस व्यू को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इतना मेसमराइजिंग व्यू आपने भी नहीं देखा होगा। ऐसा व्यू देखने के लिए लोग टाइगर हिल जाते हैं, जो कि दार्जिलिंग में है। सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, फिर भी ऐसा व्यू नहीं मिलता है लोगों को। हम रास्ते में सीनिक ब्यूटी का मजा लेते हुए जा रहे थे और देखिए, वेदर इतना क्लियर था कि हमें कंचनजंगा का व्यू इतना क्लियर मिला कि कभी किसी को नहीं मिला होगा। लोगों को बहुत मुश्किलों के बाद ऐसा व्यू मिलता है। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, जिसको कि स्लीपिंग बुद्धा भी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने हमारी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको इतनी जोरों से भूख लगी थी कि हमने आगे चल के ड्राइवर को रुकवाया और ब्रेकफास्ट किया। हम जितना आगे बढ़ रहे थे, जितना ऊपर जा रहे थे, उतना टेम्परेचर भी हमारे साथ साथ कम हो रहा था। अभी हम जहाँ खड़े हैं, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा। यहाँ नल से बहता हुआ पानी भी फ्रीज हो चुका था। तो चलिए अब नथुला पास की ओर बढ़ते हैं। नथुला पास इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इसका हाइट है 14,000 फीट अबव द सी लेवल। ये हमारे कलिंगपोंग और गैंगटोक को कनेक्ट करता है छोटे शहरों से। इसका टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, और अब जब हम गए थे तो इसका टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस एंड देयर वाज नो ऑक्सीजन। हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ के एक ऑफिसर ने कहा कि आप सारे एक्टिविटीज करना बंद कर दीजिए, जैसे कि उछल कूद, दौड़ना, भागना, वरना आपका काम वहीं तमाम हो जाएगा। और सच मानिए, इट वॉज वेरी टफ टू बी देयर। एंड स्लोली एंड स्लोली वी मूव्ड एंड क्लाइम द स्टेयर्स एंड फाइनली रीच्ड एट द टॉप। नथुला पास मंडे और ट्यूसडे को क्लोज रहता है, क्योंकि हमारे इंडिया और चाइना के बीच मीटिंग होती है उस दिन। बट हमारे एक फ्रेंड के पास आर्मी का कार्ड था, तो उस कार्ड को दिखा के हमें मिलिट्री वालों ने एंटर करने दिया। फोटो लेना वहाँ अलाउड नहीं था, इसीलिए वी डिडंट क्लिक एनी ऑफ द फोटोज। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हमारा। तो चलिए अब बाबा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यू बाबा मंदिर है, पुराने वाले में अब जाने नहीं दिया जाता। इसका पूरा नाम बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। इट्स हाइट इज 13,000 फीट अबव द सी लेवल। इसके पीछे एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, जो कि इस टेंपल से रिलेटेड है। हरभजन सिंह, जो कि एक सोल्जर थे और पंजाब के रहने वाले थे, इनकी पोस्टिंग चाइना के बॉर्डर के आसपास थी। इन अक्टूबर 1968 ही डिसअपीयर्ड, और कहा जाता है उसके बाद से इनका कोई भी चिन्ह नहीं मिला। हरभजन सिंह यूज्ड टू एस्कॉर्ट मूल्स दैट कैरी प्रोविजंस। ही कुड हैव फॉलन इन अ स्ट्रीम एंड ड्राउन्ड। उसके बाद वो अपने कलीग के सपने में आके बोले कि मेरे मेमोरी में एक टेम्पल बनवाओ। उसके बाद ही इस टेम्पल का निर्माण हुआ। ये कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अभी भी जीवित है, और ये रात को आती है और सुबह गायब हो जाती है। पर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि हेल्प करती है। ये जगह पूरी बर्फ से घिरी हुई है,
देखिए बहता हुआ पानी भी ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है। टेम्पल के अंदर बाबा हरभजन सिंह की मूर्ति रखी हुई है। तो चलिए अब छांगू लेक की तरफ बढ़ते हैं। छांगू लेक इज 12,000 फीट अबव द सी लेवल। ये विंटर्स में हमेशा फ्रोजन ही रहता है। हम छांगू लेक की ज़्यादा तस्वीरें नहीं ले पाए थे, फिर हम गैंगटॉक वापस आ गए और अगले दिन एनजीपी के लिए रवाना हो गए। हमारा सिक्किम का टूर यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।